नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे कैरियर हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर दोस्तों आज अपन चालू कर रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश देखिए राजस्थान की एक महत्वपूर्ण असलाह करती है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है अरावली और ये अपन देखते हैं कि इसकी गणना विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से होती है और एक चीज़ हम यहाँ देखें कि अरावली का राजस्थान की जलवायु निर्धारण में भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है तो हम इस चीज़ को देखते हैं आगे अब यहाँ अपन एक चीज़ देखें कि देखिए सीधी सी स्टार्टिंग करते हैं सीधा सिंपल से सी स्टार्टिंग करते हैं देखिए अरावली प्रदेश अरावली की उत्पत्ति प्री केम्बियन युग के अंदर हुई है और इसके अंदर अपन देखें कि उसके अवशेष किसका है लैंड का अवशेष है जैसे आपको मैंने बताया था कि पूरे राजस्थान के अंदर चार भौतिक भूभाग हैं उन चार भौतिक भूभागों में से दो किसके हैं गोडवरा लैंड के और दो चैतिस सागर के अवशेष हैं तो अरावली किसका है गोडवाना लैंड का अवशेष है क्षेत्रफल नौ प्रतिशत लेकिन दे रखा है आप चाहे चेक कर सकते हैं ठीक है जनसंख्या है दस प्रतिशत किसकी राज्य की कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत किस पर निवास करता है अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा पचास से नब्बे सेंटीमीटर होती है लेकिन दक्षिणी भागों में कितनी होती है डेढ़ सेंटीमीटर से अधिक अधिक वर्षा होती है जलवायु कैसी है अरावली की तो उप आद्र प्रकार की जलवायु है मिट्टी लाल काली पीली मिट्टी इसके अंतर्गत मिलती है अब अरावली की जो बनावट है हम देखते हैं तानपुरे नुमा है कैसी है तानपुरा नुमा इसकी बनावट है अब अरावली मूलतः क्या प्राचीन वलित पर्वतमाला लेकिन वर्तमान में अपर्धित होकर घीकर कैसी बन गई है अवशेषी या अवशिष्ट पर्वतमाला बन गई है अरावली का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः किस खनिज से हुआ है तो हम कह सकते हैं कि क्वारजेट खनिज से हुआ है भी भी इसके अंदर की चट्टाने भी मिलती हैं पर मुख्य वह खनिज है जिससे अरावली का निर्माण हुआ है अब हम देखें कि अरावली की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से अरावली की जो औसत ऊंचाई है क्या है समुद्र तल से वो कितनी है नौ मीटर अब तुलना अगर अपन किसकी करते हैं तो विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमालाओं से करते हैं और यूएसए में एक पर्वत है एप्लेशियन पर्वत उस एप्लेशियन पर्वत से हम अरावली की क्या करते हैं तुलना करते हैं अब देखें यहां तक तो हमने एक चीज बेसिक चीजें देखी जो अरावली के संदर्भ में अब देखिए अरावली का जो विस्तार है वो देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये राज्य आ जाता है गुजरात गुजरात अब गुजरात की अगर अपन बात करें तो अरावली गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है खेड़ ब्रह्मा तो गुजरात का पालनपुर जिला और राजस्थान का खेड़ ब्रह्मा सिरोही जिले से प्रवेश करती है और दक्षिण दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की तरफ प्रवेश करती है अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवेश कर रही है या इस तरीके से फैल रही है हम देख सकते हैं कि अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है और राजस्थान के खेड़ ब्रह्मा जो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है सिरोही से प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होकर राजस्थान देखिए गुजरात राजस्थान उसके बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद दिल्ली तक पहुंच जाती है दिल्ली में इसका अपन देखते हैं कि दिल्ली में कटी फटी रूप के अंदर मिलती है और यहीं दिल्ली के अंदर अपन देखते हैं संसद भवन है और जे विश्वविद्यालय है तो ये सारी की सारी जो है वहीं स्थित है और जैसे ही दिल्ली में जाएगी इसका नाम हो जाएगा दिल्ली रेंज ठीक है अब वैसे अगर अपन देखें कि देखें अरावली जो मूल रूप से जो अगर देखें अरावली का जो विस्तार है वो तो सत्रह जिलों में है लेकिन एनसीआरटी क्लास ट्वेल्थ उसके अंतर अपन देखें तो उसमें नौ ही जिले बता रखे हैं कैसे नौ जिले बता रखे हैं तो अगर अपन देखें सिरोही उदयपुर राजसमंद तीन तो आ गए दक्षिण अरावली के अंदर आ गए फिर राजसमंद से अजमेर मध्य अरावली और उसके बाद जयपुर दौसा अलवर और सीकर ये उत्तरी अरावली तो लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं कि अरावली लगातार, कंसिस्टेंट रूप से क्रमश है, है, है। गए हैं तो इसका मतलब वो भी आंसर सही है आरपीएससी के द्वारा तो हम ये कह सकते हैं कि मूल पर्वत क्या है राजस्थान में अरावली पर्वत है अब अपन देखें इसी के अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग अवशेष है अलग अलग इसकी चोटियां हैं अब देखें कि यहां आपन देखें जैसे मान लीजिए भीलवाड़ा जाती है अरावली तो अरावली में भीलवाड़ा को भीलवाड़ा रेंज के नाम से जानते हैं दिल्ली में जाती है तो दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अब यहां आपन देखें कि देखिए अरावली को बेसिकली जो अरावली शुरू होती है तो अरब सागर के अंदर हम एक द्वीप है लक्षद्वीप क्या है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप में है एक द्वीप मिनी कॉय तो मिनी कॉय से ये स्टार्ट होती है और यहां इसको कह सकते हैं कि लक्षद्वीप के अंदर जो समूह है उसके अंतर्गत क्या होता है इसकी जड़ है और वहीं से उसका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है इसलिए इसको अपन ने दक्षिण पश्चिम का है ऐसे उत्तर पूर्व का है तो यहां अपन को एक चीज देखनी है अब अपन अरावली को देखें तो अरावली के संदर्भ में देखिए अरावली के पश्चिम में क्या है राजस्थानी बांगर और या फिर हम कह सकते हैं कि अगर राजस्थानी बांगर को हटा दें तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में कितने जिले हैं तेरह हालांकि मरुस्थल जो जिला है उत्तर पश्चिमी उसके अंदर अगर अपन सिरोही को ऐड नहीं करते तो कितने हो जाते हैं बारह जिले हो जाते हैं लेकिन सिरोही को ऐड करते कितना हो गए तेरह जिले हो जाते हैं और उसके पशु अगर अपन पूर्व में देखते हैं तो पूर्व में कितने हैं बीस जिले तो बीस प्लस तेरह कितने हो गए तैतीस तो राजस्थान में कितने जिले हैं तैतीस ही जिले अब अपन आगे देखते हैं कि देखें अरावली की अगर विशेषता बात करें तो अरावली से क्वेश्चन जो बनता है वो कई बार इस तरीके से बनता है कि ज्यादातर अरावली से जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो यही पूछते हैं कि भाई दक्षिण उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर और उससे पहले एक जनरल कंसेप्ट और देखते हैं कि देखिए अरावली जो फैली हुई है लेकिन ये कई जगह क्या करती है एक भिन्न भिन्न आकृति बनाती है जैसे अगर आपन देखें कि उदयपुर में एक जगह है गिरवा ठीक है गिरवा क्या है एक तरह से गोल तस्तरी नुमा पहाड़ियों का समूह है जिसको अपन कह सकते हैं तो वह है गिरवा हो गया इसी प्रकार अगर अपन देखें कि देखिए अरावली का दक्षिणी हिस्सा सर्वाधिक चौड़ा भी है और सर्वाधिक ऊंचा भी है क्योंकि चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ है उदयपुर में और ऊंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ है सुरोही के अंदर फिर अपन देखें जो उत्तर पूर्व में जाके सकड़ी होती है लेकिन सर्वाधिक सकरी कहाँ है अजमेर के अंदर फिर अपन देखें कि उसके बाद उत्तरी अरावल में सकड़ी होती है लेकिन ज्यादा सक्री नहीं है कंपेरेटिवली अजमेर में तो हम कह सकते हैं कि मध्य भाग में ज्यादा सक्रिय अरावली उसके बाद फिर अपन देखें कि देखो अरावली को मोटे मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा है तीन भागों में बांटा है दक्षिण अरावली मध्य अरावली और उत्तरी अरावली अब हम सीधी बात करते हैं दक्षिण अरावली की देखिए दक्षिण अरावली की अगर अपन बात करें तो सिरोही उदयपुर और राजसमंद कितना सिरोही उदयपुर राजसमंद मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान एनसीईआरटी एनसीआरटी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी के अंदर नौ जिले बता रखे हैं जिसमें मूल रूप से कंसिस्टेंसी रूप से ये फैली हुई है तो अगर अपन देखें वो नौ जिले कौन से हैं सिरोही उदयपुर राजसमंद अजमेर जयपुर दौसा अलवर और सीकर और झुंझुनू यहां से होती हुई कि अगर अपन देखें तो कितने जिले हो जाते हैं नौ जिले हो जाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है अब उसके बाद फिर अपन देखें दक्षिण अरावली से चालू करते हैं देखिए दक्षिण अरावली जो राजस्थान का है इसकी सबसे बड़ी खास खास बात है कि अरावली का प्रवेश द्वार भी यहीं से ही है उसके बाद फिर अपन देखिए अरावली सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची कहां है सिरोही के अंदर सिरोही में इसके सबसे ज्यादा ऊंचे शिखर मिलेंगे तो अपन देखिए इसी में एक शिखर है गुरु शिखर जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो सत्रह है कई किताबों में सत्रह दे रखी है लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि जो मूल पर्वत है मूल शिखर है उसकी सत्रह है और उसके आगे ऊपर एक मंदिर बनाया हुआ है लेकिन मंदिर एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से बनाई गई है तो उसकी ऊंचाई को हम काउंट नहीं करेंगे तो ये आ गया गुरु शिखर सत्रह सो सिरोही के अंदर है और अपन ये कह सकते हैं इसको कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है संतों का शिखर कहा है उसके बाद फिर अपन देखते हैं दूसरा है शेर में ये भी सिरोही के अंदर है उसके बाद अपन देखें कि दिलवाड़ा दिलवाड़ा चौदह ये कहाँ है ये भी सिरोही के अंदर स्थित है फिर अपन देखें जरगा जरगा उदयपुर में है और चौदह मीटर इसकी हाइट है फिर अचलगढ़ आ गया तो यहाँ कई बार क्या क्वेश्चन बनता है जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का पेपर हो रहा है सब्जेक्ट्स का तो उसमें कई बार क्या बोलेगा हाइट दे देगा दे और आपसे हाइट को क्रम शय क्या कर लेगा जो क्रम मिलाप करवा लेगा उससे कहेगा कि आप इसको मिलाप कीजिए इसके अंदर कि सबसे या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इनको सजाइए टफ क्वेश्चन यही बनता है अरावली से बाकी और कुछ नहीं है अब देखें कि दक्षिण अरावली के प्रमुख शिखर हो गए अब देखिए दक्षिण अरावली के संदर्भ में हम देखें कि इसके अंदर कुछ दर्रे भी हैं जैसे फुलवारी की नाल फुलवारी की नाल कहाँ है उदयपुर के अंदर स्थित है केवड़े की नाल ये भी उदयपुर के अंदर है हाथी की नाल ये भी उदयपुर में स्थित है ठीक है जबकि हाथी गुडा की नाल कहाँ पर है राजसमंद में अब यहाँ अपन देखें फिर अपन देखें कि इसके संदर्भ में अब राजसमंद की भी कुछ अपन पहाड़ियां देख लेते हैं तो राजसमंद की जो मुख्य पहाड़ी है वो है कुंबलगढ़ और इसकी हाइट है बारह मीटर देखिए छोटे छोटे पर्वत भी हैं जिनकी हाइट है जैसे गोकुंदा की पहाड़ियाँ हो गई है ठीक है तो वो हम इसलिए नहीं लिख रहे कि बाकी लिखेंगे तो सारा कुछ एक तरीके से मिक्सअप हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर अपन चलते हैं अज मध्य अरावली के अंदर आते हैं देखिए मध्य अरावली अगर अपन देखिए राजसमंद और अजमेर को दिखा रखा है इसके अंदर अजमेर और राजसमंद में एक पहाड़ी है जो दोनों फैली हुई जिसको अपन क्या कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं तो अजमेर और राजसमंद में किसकी पहाड़ियां हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं उसके बाद फिर देखें देखिए अजमेर में और राजसमंद में कुछ दर्रे हैं तो देखें राजसमंद की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है घाट 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 इसको अपन क्या कहते है? खेमली भी कहते हैं हैं खेमली खेमली भी तो खेमली घाट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है इंटर मतलब जो राज्य इंडिया की बुक्स है उसमें भी इस दर्रे का जिक्र किया हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है उसके बाद देखें अजमेर अजमेर को आप जानते हैं कि अजमेर के अंदर काफ़ी झीलें हैं राजस्थान की और उसके बाद फिर आपन देखें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर भी हैं जैसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अपन बात करें तो क्या आएगा टाड़गढ़ कितना है नौ मीटर है जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी और कहाँ है अजमेर के अंदर आप जानते हैं तारागढ़ गढ़विडली ठीक है इसको अपन कहते हैं 870 मीटर इसकी हाइट है फिर अपन देखते हैं नाग पहाड़ नाग पहाड़ क्या है अजमेर के अंदर स्थित है और सात सौ पिचानवे मीटर हाइट है और क्या है अरावली का उद्गम केंद्र है कौन नाग पहाड़ तो ये मध्य अरावली के प्रमुख पर्वत शिखर होते हैं उसके बाद फिर अपन आ जाते हैं अजमेर में एक दर्रा है शिशुरा घाट शिवपुरा घाट ये सारे किसके हैं अजमेर का प्रमुख दर्रा है अब देखें वैसे तो राजसमंद हल्दी घाटी कहाँ है राजसमंद तो हल्दी घाट जो है हल्दी घाट वो भी एक प्रमुख दर्रा है ठीक है अब उसके संदर्भ में फिर अपन आगे बढ़ते हैं अब देखिए जयपुर दौसा अलवर ये आ जाता है अपना उत्तरी अरावली उत्तरी अरावली की अपन बात करें तो देखें उत्तरी अरावली के संदर्भ में प्रमुख पर्वत शिखर तो हम बात करते हैं खो 920 सौ कहां पर है जयपुर के अंदर खो की पहाड़ियां बहराज बहराज सात सौ बानवे कहां है अलवर के अंदर स्थित सीकर सीकर के अंदर है रघुनाथगढ़ एक हज़ार पचपन जो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है रघुनाथगढ़ और कितना है एक हजार पचपन मीटर इसकी हाइट है फिर अपन देखते हैं झुंझुनू झुंझुनू जुन के अंदर आते हैं लोहागढ़ जिसकी हाइट है एक हज़ार इक्यावन मीटर इसके अलावा बहुत से पर्वत हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं अब देखो खेतड़ी तक तो ये क्या आ रही है कंसिस्टेंसी से आ रही है लगातार रूप में आ रही है खेतड़ी के बाद जैसे ये आगे बढ़ती है अरावली क्या हो जाती है छिन्न भिन्न रूप में हो जाती है कटी फटी रूप में हो जाती है फिर हरियाणा और दिल्ली तक चली जाती है अब देखें ये तो हो गए इसके क्या कहते हैं प्रमुख पर्वत शिखर देखिए उत्तरी अरावली का पर्वत शिखर रघुनाथ सर्वोच्च पर्वत शिखर रघुनाथगढ़ मध्य अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर टाड़गढ़ और दक्षिण अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो हम कह सकते हैं कौन सा है गुरु शिखर संतों का शिखर हालांकि सेर जरगा अचलगढ़ ये भी इसकी प्रमुख पर्वत शिखर है दिलवाड़ा भी है तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है टफ क्वेश्चन तभी बनेगा अरावली से जब हम ये कह सकते हैं कि इसकी इन्हीं सभी पर्वतों की हाइट दे दे और आपको कह दे कि इनको क्रमशः आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए तब थोड़ी सी दिक्कत होती है और ऐसा नहीं यही दें क्योंकि बहुत से पर्वत शिखर है अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो अरावली है वो राजस्थान की जलवायु का भी निर्धारण करती है एक प्रमुख जल विभाजक भी है जल विभाजक कैसे कह सकते हैं कि देखिए ये अरावली यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थित है तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां इस तरफ आएंगी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इस तरफ जाएंगी तो अरावली क्या है प्रमुख जल विभाजक है इसके बाद फिर हम देखें कि भाई क्या जलवायु राजस्थान की किस कारण से जलवायु निर्धारित करती है कि अरावली क्या है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व फैला हुआ है और भारतीय मानसून की दिशा भी क्या है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी भारतीय मानसून की दिशा है और अरावली की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है तू की दो क्योंकि दोनों की दिशा क्या है समांतर है इसलिए अरावली क्या है मानसून के समांतर है या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समांतर है और ज़्यादा हाइट नहीं है तो हवाएं सीधी क्या हो जाती हैं इसके तरफ से आगे निकल जाती हैं तो निकल जाने के कारण फिर क्या होता है कि वास्तविक रूप में क्या होता है कि ये हवाओं को रोक नहीं पाती और यह हवाएं आगे चल जाती इसलिए ख़ास तौर से जो अरब सागर का मानसून है वो हमें ज़्यादा वर्षा नहीं दे पाता राजस्थान के दक्षिण ज़िलों में उदयपुर जालौर ठीक है इस तरफ के डूंगरपुर बांसवाड़ा और कोटा बूंदी झालावाड़ हालांकि अपन झालावाड़ को राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं पर ज़्यादातर जो उदय नीचे वाले एरिया हैं उनसे ही अरब सागर की शाखा से अपन को बेनिफिट प्राप्त होता है लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं बहुत ही अल्प रूप में ज़्यादातर हमें जो बारिश प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है क्योंकि जब वो मानसून इधर यूँ घूम के आता है तो किससे टच करता है अरावली से और जैसे यहाँ टच करेगा तो अरावली उसको थोड़ा बहुत हवाओं को रोकने की कोशिश करेगी जिससे राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में वर्षा अधिक होती है और पश्चिमी मैदानी भागों में वर्षा कम होती है क्योंकि पूर्वी मैदानी भागों में वर्षा अधिक होगी तो यहाँ आद्र जलवायु मिलेगी और पश्चिमी मैदानी भागों में कम मिलेगी तो वहाँ शुष्क जलवायु मिलेगी तो इसलिए अरावली का राजस्थान के जलवायु निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान है अब देखें मैंने आपसे कहा था कि जो अरावली है वो कई जगह पे अलग अलग स्थलाकृति बनाती है तो अरावली के संदर्भ में अगर आपन बात करें तो अरावली की देखिए पाली जिला पाली जिले के अंदर सेंदड़ा नामक स्टेशन है पाली जिले में कौन सा है सेंदड़ा नामक स्टेशन है इस सेंदड़ा नामक स्टेशन में अरावली कैसी आकृति बनाती है सर्पाकार आकृति बनाती है सांप की आकृति का साहब की फन की फन नुमा आकृति बनाती है तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी ये क्या है कि किताब में से निकाल के पूछा हुआ है और राजस्थान के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब चलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिसमें से टफ क्वेश्चंस निकल के आते हैं और उसी से ही सारी गाइडें तैयार की गई हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इसी चीज़ को आपको पढ़ना है वैसे एन की बुक्स और किसी भी मेरा यह मानना है किसी भी कोचिंग के नोट्स और कोई भी एक गाइड उसको दस बार रिपीट करते रहें सिलेक्शन आपका शोर हो जाएगा आगे बढ़ें अपन अब देखें अरावली के पश्चिम में उत्तर पश्चिम में।, में मुरुस्तल प्रदेश राज्य जिसको अपन मूल अपन कहेंगे राजस्थानी बांगर अब पूर्वी पूर्वी भाग है उसके अंदर पूर्वी मैदानी भाग अब उत्तर में कई बार एक क्वेश्चन आया है कि अरावली के उत्तर में क्या है पोटावर पोटावर का पठार अब ये पोटावर का जो पठार है ये पाकिस्तान के अंदर भी है और पंजाब प्रांत में भी है ठीक है और उसके बाद फिर आपन देखते हैं दक्षिण में क्या है इसके अंदर अपन देखें तो भोराट भोराट का पठार तो क्या अरावली का दोनों संबंध है बिल्कुल अरावली उत्तर में भोराट के पठार से और दक्षिण में किससे मिलती है अरावली सॉरी उत्तर में पोटावर के पठार से और दक्षिण में किससे मिलती है भोराट के पठार से मिलती है अब यहाँ अपन को ध्यान में रखना है कि अरावली में वर्षा कहाँ बढ़ेगी उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में तो हम कह सकते हैं कि अरावली के अंदर का जो वर्षा होगी वो दक्षिण पश्चिम भाग में अधिक होगी बतौर उत्तर पूर्वी भाग में क्योंकि जैसे जैसे मानसून की दिशा ऊपर बढ़ती है उसमें वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो हमेशा दक्षिण से उत्तर की जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आएगी और पश्चिम से वो सॉरी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी ध्यान दीजिए दक्षिण से उत्तर जाएंगे वर्षा की मात्रा में कमी आएगी ठीक है भले ही मानसून की दिशा यही है ठीक लेकिन हम कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा में क्या आएगी कमी आएगी दक्षिणी भागों में अधिक वर्षा उत्तरी भागों में कम वर्षा इसी प्रकार अगर हम देखें कि पूर्वी से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिकांश वर्षा होती है लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि पूर्वी मैदान में अधिक वर्षा और पश्चिमी मैदान के पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थल है उसके अंतर्गत कम वर्षा होती है इसलिए हमेशा वर्षा क्या करती है जलवायु के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो हम कह सकते हैं कि अरावली का राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल है अब देखिए इसको अपन देख सकते हैं कि इसके अल, अलग अलग इसके अंदर बातें की गई हैं और अलग अलग अरावली के बारे में कहा गया है कि भैया सत्रह जिलों के अंदर और है तो इसको बूंदी में अडावाला पर्वत के नाम से जानते हैं सिरोही में आबू गुलाब के नाम से जानते हैं तो अलग इसको कहा जाता है इसको राजस्थानी भाषा में अटा सटा भी कहा जाता है तो इसकी अलग 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 अलग, अलग जगह पे इसके नाम हैं लेकिन मूल रूप से आपसे पूछा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के नौ जिलों में कंसिस्टेंसी लगातार क्रमबद्ध रूप से मिलती है और ये इसी क्वेश्चन भी आपको इसी सेगमेंट से मिलेंगे तो हमने देखा कि अब देखिए अरावली के अंतर्गत कुछ अगर अपन देखें कि आबू पर्वत भी है आबू पर्वत को क्या कहा गया है हिंदू ओलंपस भी कहा गया है तो यहां से आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ अरावली संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और बेसिकली ज्यादातर इसे संबंधित है कि राजस्थान के संदर्भ में लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं आपको फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन तीन चार बार आ गया है यही क्वेश्चन था कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति है तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार भारत का प्रायद्वीप और राजस्थान के कॉन्टेक्स में अरावली नियो कर क्या होगा हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग क्योंकि वो मूल भारतीय प्लेट का भाग है और अरावली का निर्माण उस भारतीय प्लेट के ऊपर हुआ है तो प्राचीनतम कौन हुआ प्राचीनतम हुआ दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और भारत पूरे भारत के संदर्भ में लें तो पठारी भाग तो यहां ध्यान रखें अरावली इंडिया का सबसे प्राचीनतम भाग नहीं है क्या है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और राजस्थान के संदर्भ में अपन कह सकते हैं क्या है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कह सकते हैं अरावली सबसे प्राचीनतम भाग नहीं है तो ये अरावली के संदर्भ में आज अपन ने चर्चा की है आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा थैंक यू थैंक यू सो मच इसी तरह से लगे रहिए और अपनी जीत को सुनिश्चित कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद